हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कान्हाकली फूड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 2 मीडियम साइज के कच्चे आलू, जिसे हमने छील लिया है। अब हम यहाँ पर लेंगे किसी मिक्सिंग बाउल में पानी लगभग 1 ग्लास के आसपास। फिर इसमें हम बारीक ग्रेटर से इस कच्चे आलू को बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। और इसी पानी के अंदर हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि ये आलू के जो लच्छे हैं वो लाल ना पड़े। अब हम यहाँ पर इस ग्रेट किए हुए आलू को हाथों से बिल्कुल अच्छी तरह से मसल कर धुल देंगे, जिससे कि इसमें का जो स्टार्च हो वो निकल जाए। तो यहाँ पर हमने ग्रेट किए हुए आलू को बिल्कुल अच्छी तरह से धुल लिया है। तो अब हमने यहाँ पर लिया है खलबट्टा और इसमें हम डाल देंगे अदरक, जो कि हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 3 कली लहसुन के लिए है, और इसे हम इस खलबट्टे में इस तरह से क्रश कर लेंगे। अब हम यहाँ पर ग्रेट किए हुए आलू में क्रश किए हुए अदरक और लहसुन को मिक्स कर देंगे और इसी के साथ में हम ले लेंगे 1/2 कप सूजी, और फिर इसी के साथ हम यहाँ पर ले लेंगे 1 मीडियम साइज की प्याज। तो हमने यहाँ पर इसे चॉप करके लिया है। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा तीखापन के लिए 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 1.5 चम्मच फ्रेश दही। दही आप ऐसे लीजिएगा कि जो खट्टी ना हो। फिर इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और फिर हम यहाँ पर ले लेंगे 1/2 कप के आसपास पानी, और इसे हम बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर रेस्ट पे छोड़ देंगे, जिससे कि जो सूजी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से फूल जाए। तो 1/2 घंटे बाद आप देख सकते हैं सूजी हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से फूल चुकी है। तो अब हम कलछी की मदद से इस तरह से इसे एक बार और मिक्स कर लेंगे। तो अब हमें इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हमने इसमें नमक और 1/2 कप पानी को पहले ही ऐड कर दिया था, जिससे कि बिल्कुल अच्छी तरह से फूल जाए और हमें बाद में पानी भी डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए हमने गैस पे पैन को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, और इसे हम पैन पर बिल्कुल अच्छी तरह से फैला लेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तेल भी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे चुटकी भर राई, इससे ये जो नाश्ता है और भी टेस्टी लगेगा खाने में। तो अब यहाँ पर राई हमारी चटक चुकी है, तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 कलछी बटर, और फिर इसे हम राउंड शेप में बिल्कुल अच्छी तरह से फैला देंगे। यहाँ पर हम गैस का फ्लेम मीडियम टू लो पर रखेंगे। तो इस तरह से हम स्पैचुला की मदद से जो किनारे थोड़ा थोड़ा सा बैटर इस तरह से फैला हुआ है, हम इसे एक शेप में कर देंगे, जिससे कि एक आकार जो राउंड शेप का है बहुत अच्छे से निकल के आए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह से सिमट गया है। तो अभी हम इसे 1 मिनट के लिए और सिकने देते हैं। 1 मिनट के बाद अब इसे हम इस तरह से पलट देंगे, और फिर थोड़ा सा हम ऊपर से पुश कर देंगे, जिससे कि नीचे से भी बिल्कुल अच्छी तरह से सिक जाए। तो इस तरह से हम इसे उलटते पुलटते हुए बिल्कुल ब्राउन कलर और हल्का हल्का क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा नाश्ता बिल्कुल अच्छी तरह से सिक चुका है। तो अब हम इसे किसी प्लेट में रख देंगे और बाकी के बचे नाश्ते को भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे गर्मा गर्म आलू का और सूजी का मिक्स एक नया नाश्ता बनकर तैयार है, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो हमने इसे टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है। आप इसे तीखी चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं।
या फिर आप इसमें जैम को लगाकर खाना चाहते हो तो भी खा सकते हैं, उससे भी ये नाश्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आशा और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ये आज की रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।